जब खजुराहो मंदिर की बात होती है तो हमेशा उसे इरोटिक स्कल्पचर्स के साथ जोड़ा जाता है। हमारी संस्कृति की प्रगतिशीलता और ओपन माइंडेडनेस को दिखाने के लिए अक्सर इस मंदिर का उदाहरण दिया जाता है। आइए आज सैर करते हैं खजुराहो मंदिर की। देवलोक में आपका स्वागत है। मैं हूँ रसिका दुग्गल और मेरे साथ है इंडियन माइथोलॉजी की विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक। ये खजुराहो टेम्पल्स जो हैं, तो खजुराहो का मतलब क्या है? क्या ये खजूर से लिया गया है? हाँ, खजूर से लिया गया है। कहते हैं कि सोने के डेट पाम्स होते थे, खजूर के पेड़ होते थे इस एरिया में। अच्छा, ये एक रूट है। कुछ स्कॉलर्स का रिलेशनशिप ये शायद बिच्छू या स्कॉर्पियन से जुड़ा हुआ है। खजुराहो संस्कृत में शब्द स्कॉर्पियन से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि शिवजी के मंदिर यहाँ पे हैं, शिवजी स्कॉर्पियन से बहुत एसोसिएशन था, स्पेशली तांत्रिक पूजा में, कि वो स्कॉर्पियंस पहनते थे। अच्छा। और कुछ जो मिस्चीवियस राइटर्स हैं कहते हैं कि शायद ये एक मुहावरा है मेल सेक्सुअल डिजायर का। अच्छा, तो खजुराहो मंदिर कब बनाया गया था? तो ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन ये 300-400 साल लगे होंगे बनाने के लिए। तो 9th century, 10th century, 11th century, 12th century में बनाया गया है, ओवर एक generations। भारत में जो शहर और घर और ग्राम होते थे वो मिट्टी के घर बनते थे, तो वो जब चले जाते हैं तो देर जस्ट मर्ज विद, लेकिन देवालय जो भगवान का घर होता है वो पत्थर से बनाया जाता था। तो शायद वही रह गया है अभी। तो खजुराहो अभी ये खंडर है देवताओं की। तो ये किसका मंदिर है? तो यहाँ पे मंदिर 3-4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो बड़ा मंदिर है इसको कांडर या महादेव कहते हैं, जो गुफा के अंदर रहते हुए शिवजी की मंदिर है। अच्छा। यहाँ पे वैष्णव मंदिर है, यहाँ पे एक गणेश जी का एक मंदिर है, सूर्य का एक मंदिर है, योगिनी शाक्त परंपरा का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। 64 योगिनियों का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। और जैन परंपरा के भी मंदिर है यहाँ पे। आपने कहा कि जैन मंदिर है यहाँ पे, तो जैन तो ज्यादातर सन्यासी थे, लेकिन खजुराहो का तो एसोसिएशन जनरली एरोटिक स्कल्पचर्स के साथ होता है, तो इन दोनों का कैसा? देखिए, आजकल के ज़माने में हम ऐसे सोचते हैं कि ये मंक हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर है, सन्यासी हैं, और ये सेक्सुअल है, इरोटिक है, काम वासनाओं से जुड़ी, और हम इनका सेपरेशन करते हैं। लेकिन भारत में ये सेपरेशन कभी नहीं करते थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अर्थ, जीवन को अर्थ देने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म की बातें हैं, अर्थ की बातें हैं, इकोनॉमिक्स की बातें हैं, काम की बातें हैं, इरोटिक्स की बातें हैं, मोक्ष शास्त्र की बातें हैं। तो जो जैन धर्म है वहाँ पे मोक्ष शास्त्र को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो उनके मंदिरों में ज़्यादातर श्रमण, जो तपस्वी हैं, मुनि हैं, साधक हैं, उनकी मूर्तियाँ ज़्यादा रहती हैं। लेकिन वहाँ पर भी हम नर्तकियों की मूर्ति देखेंगे, म्यूजिशंस की मूर्ति देखेंगे, डांस की मूर्ति देखेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। और जैन धर्म में एक तो श्रमण परंपरा और श्रवक परंपरा है, जो दुनिया को छोड़ चुके हैं और जो समाज के अंदर रहते हैं, ऐसे दो दो परंपरा है। तो इट इज ऑलवेज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द अदर। अच्छा। लेकिन जो हिंदू परंपरा में यहाँ पे भोग विलास को बहुत इम्पोर्टेंस, एकदम सेंट्रल थीम बनता है, तो यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को इक्वल मेजर में देखा जाता है। और खजुराहो के मंदिर में आजकल तो लोग खजुराहो बोलते हैं तो इमीडिएटली सेक्स की बातें आती है, लेकिन ज्यादातर जो बोलते हैं कभी देखा नहीं है मंदिर। हाँ, यहाँ पे काम शास्त्र की मूर्तियां बहुत हैं, लेकिन 10 में से 1। अच्छा। 10% मूर्तियां। हमको ये समझना चाहिए कि मंदिर बनाते क्यों हैं। तो जैसे जैनियों जब मंदिर बनाते हैं वो देवालय है तीर्थंकरों के लिए, लेकिन जो मंदिर होता है ये ब्रह्मांड का एक प्रतीक है, और ब्रह्मांड में हर एक चीज होता है, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है, मोक्ष होता है, सब चीजों को दर्शाया जाता है मंदिर के वॉल के ऊपर। अच्छा। तो ये पत्थर से वो एक दुनिया रचते हैं। तो क्या कामसूत्र का खजुराहो टेंपल्स के साथ कोई कनेक्शन है? जनरली लोग बोलते हैं कि कुछ जी, है। जी। सी, काम शास्त्र 2000 साल पहले लिखी गई थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, सबके शास्त्र होते थे। तो धर्म शास्त्र,
अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र। तो आजकल जब हम कहते हैं कि वेदांत सूत्र, उपनिषद, ये सब मोक्ष शास्त्र के अंदर आ गए, तो जैन धर्म यहाँ पे आएंगे, मोक्ष शास्त्र के अंदर आएंगे। पहले जमाने में इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, कहते थे कि बुढ़ापे में इसके बारे में सोचो, मोक्ष के बारे में। धर्म अर्थ काम को इम्पोर्टेंस दिया जाता, धर्म पहले और अर्थ और काम बाद में। अच्छा। यहाँ पे जो काम शास्त्र है, यहाँ पे कई रचनाएं लिखी गई संस्कृत में। कोका शास्त्र वत्स्यायन का तो मोस्ट फेमस है, और कहते हैं ये बात शिवजी से आई है। जब शिव की शादी शक्ति से हुई, तो शक्ति ने शिव को पूछा कि पति पत्नी को सुख कैसे दे सकता है, और ये जो उनकी वार्तालाप हुई, कहते हैं नंदी ने इसके सुना और वो मनुष्य तक ये पहुंचाए। अच्छा। कई राइटर्स के थ्रू, और वत्स्यायन एक राइटर है, ऐसे अनेक राइटर्स हैं। जब हम कामशास्त्र की बात करते हैं, तो ये 2000 साल पुरानी शास्त्र है। जब खजुराहो मंदिर की बात करें, ये 1000 साल पहले बनाई हुई मंदिर है। ये मंदिर, ये मूर्ति में वही ये चार शास्त्रों की बातें दर्शा रहे हैं, विजुअली डिपिक्ट कर रहे हैं। और काम सूत्र जो एक कामशास्त्र है, इसको भी हम पढ़ें तो केवल 20% रति क्रीड़ा के ऊपर है। रति क्रीड़ा मीन्स इरोटिक एक्टिविटी। अच्छा। बाकी जो 80% है रिलेशनशिप के ऊपर होता है। और इनफैक्ट बहुत ही बोरिंग बुक है, अगर आप एक्चुअली पढ़ो तो लगता है जैसे कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट लिख रहा है इसके बारे में। उन लोगों को लगता है अगर ये इरोटिक बुक है, इरोटिक बुक नहीं है। हाँ। ये बहुत ही शास्त्र है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक, ये भोग का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। और यहाँ पे आप एक है कि रसिक कैसा होता है, नगर में जो रहता है वो कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, वो उसका हाउ इज बॉडी शुड बी फ्रेग्रेंट, उसका घर कैसे डेकोरेट करना चाहिए, हाउ शुड ही टॉक टू गर्ल्स। तो उसमें एक चैप्टर है पत्नियों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, जो चीफ पत्नी है उससे व्यवहार कैसे, जूनियर पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना। अच्छा। अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पर पत्नी के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, जो मिडिल मैन या वुमन जिसके द्वारा आप आपके लवर को सिड्यूस करना चाहते हो, उनके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। अच्छा। वो भी एक चैप्टर है। अच्छा। मसाज के ऊपर चैप्टर है जिसको एफ्रोडिजियाक्स कहते हैं, यू नो लव पोशंस कहते हैं, उसके ऊपर एक चैप्टर है। अच्छा। तो मैजिक के ऊपर कुछ एक चैप्टर है, और एक चैप्टर है जहाँ पे जिसको कहते हैं 64 रति क्रीड़ा के बारे में, 64 वेज ऑफ मेकिंग लव। अगर आप पढ़ोगे तो बोलेंगे कि अगर इतना सोचते रहेंगे तो प्रेम कहाँ रहेगा यहाँ पे। ये प्रेम की बात नहीं है, एकदम टेक्निकल मैनुअल है। क्या होता है, लोगों ने इसका चित्रण किया है, बहुत आर्टिस्ट्स ने, यू नो राजाओं के कारखाने होते थे जहाँ पे पेंटर्स थे, तो उन्होंने राजाओं के सुख के लिए ऐसे इरोटिक पेंटिंग्स बनाए। तो आजकल हमको लगता है कि काम शास्त्र ये पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स तो 300-400 साल पहले बनाए थे। अच्छा। काम शास्त्र 2000 साल पहले लिखी थी। बहुत ही टेक्निकल बुक है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।